एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो रिका होती है ना वो अपनी बहन को बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ और रियलिटी सेटल्ड मतलब मैं बिलीव नहीं करती कि मेरे फादर अब जिंदा नहीं है तो जो तोका होती है ना वो बोलती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी ना और उसने पिटाई करना शुरू कर देती है और यहाँ पे जो पिटाई वाला सीन है ना इसको मतलब फाइट सीन की तरह दिखाया जैसे अपने नराटो वगैरह अगर अदर एनिमे देखा एक्शन एनमी उनमें फाइट होती है पर रियलिटी में नहीं हो रहा होता ऐसा ये सिर्फ मतलब एनिमे में दिखाया और रिका की इमेजिनेशन को दिखाया कि वो कैसे सोचती है जब उसकी फाइट होती है उसकी बहन के साथ तो उसकी बहन उसको डांटती है बोलती है कि तुम्हें अच्छा लगता है बच्चों की तरह मतलब ऐसे बिहेव करना छोटे बच्चों की तरह और चाहे तुम कितना भी कर लो वो वापस नहीं आ सकते है पापा आप जिंदा नहीं तुम्हें दादा दादी को परेशान करना अच्छा लगता है क्या तुम मम्मी से नफरत करती हो क्योंकि मम्मी हमारे साथ नहीं रहती क्योंकि इस तरह में दिखाया गया कि इसके फादर के एक्सपायर होने के बाद इसने ये सब शुरू किया था मतलब चुनी हुए वाला जो बीमारी है कि मतलब इसको बाउंड्री लाइन्स वगैरह दिखती हैं और मतलब सब सुपर हीरो वगैरह का सब सबको शुरू करा था था इसने तो ये अपने पापा को भुलाने के लिए सब कर रही है मतलब इसके क्योंकि इसको मानना है कि इसके फादर बाउंड्री लाइन्स के पार चले गए और इसका मानना है कि इसके फादर की डेथ नहीं हुई है तो ये ऐसे जब नहीं मानती तो बोलती कि फादर ना बाउंड्री लाइन्स के पार है और उनकी डेथ नहीं हुई है तो उसकी बहन ना उसको मारने के लिए आती है और तो बीच में ना आके जो था खड़ा हो जाता है वो बोलता है कि तुम इस सर सहमत मारो तो बोलते हैं कि तुम बीच में बताओ तो ये बोलता है कि यार रियलिटी ना हार्श होती है हम मानते हैं कि मतलब हमें कह दिया जाता है कि यार रियलिटी हार्श है उसका इसे एक्सेप्ट करो पर कभी मतलब इतना जरूरी थोड़ी ना कोई इंसान बहुत टूटा हुआ है कोई इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा दुख है तो उसको प्यार से समझाया जाता है ऐसा नहीं मारा पीटा नहीं जाता है तो ये बोलते हैं कि मैम ये ही रियलिटी है तो का बोलती है और इसे एक्सेप्ट करना चाहिए इसी तरीके से और ये चाहे कुछ भी कर ले जो चीज हो गई वो हो गई है अब इस पर यूता बोलता है कि हाँ हम मानते हैं ऐसा पर इसको ऐसे नहीं समझेगी ये और ये ऐसे बोल ही रहा होता है तो हम देखते है हैं रिका मौके का फायदा उठाती है और वहां से भाग जाती है तो यूता उसका पीछा करता है और यूता घर आता है इनके ना तो पता चलता है वहाँ नहीं आई होती है। तो ना उसकी जो ग्रैंड मदर होती है तो बोलती है तुम्हारे साथ वो तो बीच पे गई थी ना तो सोचता है कि शायद वो बीच पे चली गई है तो बीच पे जाता है और हम देखते हैं बीच पे ना ये लोग अपना खेल रहे होते हैं मतलब फायर के साथ जो डेके मोरी वगैरह और मैकेट वगैरह तो ये ना इसके बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि यार रीका और जो हैं दोनों गायब हो रखे हैं मतलब तो जिसपे नीबूता नहीं बोलती है कि अगर दो लोग बीच पे आए इतनी अच्छी जगह पे घूमने और उसके बाद बीच पे ना घूमने की जगह मतलब गायब हो रखे हैं तो पक्का उनके बीच में कुछ चल रहा है तो जिसपे सूरी होती है जो क्यूमन सूर्य में वो बोलते है कि तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है तो वो ये नींबूतानी बोलती है की तुम इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या तुम छोटे बच्चे हो मतलब समर वेकेशन पे अगर दो लड़का लड़की है तो उनके बीच में पक्का कुछ चल रहा होगा तो तभी हम देखते हैं वहाँ पे ना यूता पहुँचाता है उनको ढूंढते हैं और वो बोलते हैं कि क्या रिका वहाँ पे आई है तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं वो नहीं आई है यहाँ पे तो ये ना उसको ढूंढने के लिए और जगह जाने लगता है तो मिकोटो पीछे से चिल्ला के बोलता है उसको लगता है कि इनका चक्का चल रहा है कि हाँ आ जाओ उसको ढूंढ लो तो ये ना रेलवे स्टेशन इसको लगता है कि वो घर ना चली जाए रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है और ट्रेन मतलब देखता है कि जो ये होती है ना रिक्का ये ट्रेन में बैठी होती है तो ये भी उसे ट्रेन में चढ़ जाता है और इसके पास जाके बैठ जाता है तो उसको बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो तो ये बोलता है कि ये बोलते हैं रिका कि जो ब्यूरो है मतलब जो ये अपने दिमाग में वजन करते रहते ना कि उनकी पावर्स ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस जगह पे और मैं उनके सामने हार रही हूँ इसलिए मैं घर जा रही हूँ तो मतलब ये फाइनली ये कहना चाहती है कि मैं वापस जहाँ पे कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ वहाँ पे जा रही हूँ तो ये भी इसके साथ जाने लगता है तो ये बोलती है कि तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो तो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें ऐसा अकेले छोड़ूंगा और ये दोनों ना साथ में आ जाते हैं तो ये जब जा रहे होते हैं ना तो इससे रिका पूछते हैं कि तुम जो डार्क फ्लिंग मास्टर ना तो मैं इसकी पावर्स कहाँ से मिली तो ये बोलता है कि मैं बचपन में मतलब छोटा था मैं मेरे साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता था तो मैं उन लड़कों के साथ मतलब क्योंकि वो सब बच्चे होते ना बचपन सुपर हीरो वगैरह के साथ खेलने लगते हैं क्योंकि मेरे को चीज समझ में नहीं आती थी तो मैं भी उनके साथ खेलने के लिए उनके साथ ग्रुप में रहने के लिए मैं भी उनके साथ इन्हीं चीज़ों पर बिलीव करने लगा इन चीजों पर लिखना पर वो इतना बढ़ गया कि मेरे को बाद में ना मतलब वो बच्चे तो हो गए बड़े हो गए पर मैं उन चीजों में ही फंसा रहा और फिर मतलब मेरे को जब लगा कि हाई स्कूल में मतलब ये चीजें ज्यादा हो गई और लोग मेरे से फिर से अलग हो रहे हैं तो मैंने इसको ना छोड़ दिया और हमें दूसरी तरफ ना सीन दिखाया जाता है कि जो श्यूरी होती है और जो नीबुतानी होते हैं ना ये इन्हीं के बारे में बात कर रहे होते हैं कि मतलब ये दोनों जो रिकार और है मतलब साथ में घर चले गए मतलब वेकेशन पे हमें बुलाया तो इन्होंने था इनके घर पे तो नहीं बुता फिर से वही बात कहती है कि तुम्हें नहीं पता इनके जाना चक्कर चल रहा है तो श्यूरी उस बात को समझती नहीं तो वो बोलती है कि तुम इतनी उस मुझे नहीं पता था और तुम्हें इतनी सी बातों समझ जानी चाहिए फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि जो यूता है ना और रीका है वो अपने अपने घर पहुंच गए पर जो रीका है ना वो की भूल गई लालू तो उसको बोल, मतलब ऐसे बोलती है कि मतलब अपनी लैंग्वेज में जैसे मतलब ड्रामिंग करके बोलती है कि जो सिक्योरिटी लेवल है उसको बढ़ा दिया है प्रिस्टेस ने तो बोलता है कि तुम फाइनली की भूल गई हो ना तो चलो मेरे घर चलो जब अपने घर जाता है उसको पता चलता है कि जो उसकी मोम और उसकी बहन है ना बहने समर कैंप में गई है और उसकी मैम नाइट शिफ्ट कर रही है उसकी मोम तो ये वो अगले दिन आएंगे आज वापस नहीं आएंगे अब यहाँ पे हमें एक और सीन दिखाया जाता है कि जो मिकोटो होता है ना वो सोकर उठता है तो वो देखता है कि जो सूर्य होती है ना वो शूज़ वगैरह पहनी होती है तो उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो तो ये बोलती है मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं ना नाइट वॉक के लिए जा रही हूँ क्या तुम मेरे साथ चलोगे तो ये बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ चलूंगा बस एक सेकंड रुको और ये ना आ, इसको फोन करता है मिकोटो यूता को उसको बोलता है कि यार सोरे मेरे को अपने साथ घूमने के लिए जाने को कह रही है तो मैं क्या करूं मुझे जाना चाहिए कि नहीं तो ये बोलता है कि मैं क्या बताऊं तो बोलता है कि भूल गए तुम जब स्कूल में सबसे पहले दिन मैंने तुमसे बात करी थी और आज तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो बोलता है मेरी कौन गर्लफ्रेंड है तो बोलता है कि मुझे सब पता रीखा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो ये देखता रीका इसके ना सामान चीजों को छेड़ रही होती है तो फोन काट देता है और सीधे रीका के पास भाग के जाता है रिका को बोलता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो तो रीका उसके ना जब ये अपने आप को डार्क फिल्म मास्टर मानता था तो मतलब टॉयज वगैरह रखे थे उनको देख रही होती है तो जब ये नहीं आती तो इनको यूज़ करके दिखाता है और उसको ना एक गन को हाथ में पहनता है फिर बोलता है कि कैसे अगर प्लग इन करोगे तो ये गन ना बाजू में से निकल के तुम्हारे हाथ पे आ जाएगी तो ये बहुत खुश हो जाती है बोलते हैं कि यार तुम ना बहुत इन मतलब मतलब पावरफुल हो और मैं ना पूरी दुनिया को बताऊंगी कि डार्क फ्लेम मास्टर कितना पावरफुल है जैसे बातें करती रहती है चुनी बीमारी में जो होता है इंसान ये सोचता है कि वो एक सुपर हीरो है और मतलब जैसे तो फिर कहता है कि हाँ हाँ ठीक है तो ये बोलता है कि तभी हम ना देखते हैं कि जो रिका होती है ना उसके पेट में से आवाज़ आने लगती है तो भूख की वजह से ऐसा होता है ना थोड़ा आवाज साउंड से आती है तो बोलता है तुम्हें भूख लगी है तो बोलती है कि हाँ तो फ्रिज में जाते हैं फ्रिज में कुछ नहीं होता तो ये बोलता है कि फ्रिज में तो कुछ नहीं है तो डिपार्टमेंटल स्टोर पर चले वहां से कुछ खा सकते हैं तो ये बोलती है कि मेरे को प्रस्टेशन ने मना कराया खाने के लिए पर तुम हमेशा मैं स्कूल में खाता देखती हूँ तो हम मैं पक्का ट्राई करना चाहूंगी तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं और वहाँ से कुछ ना फ्राइड चिकन वगैरह खाने लगते हैं तो मतलब इसको ना ओपन करना भी नहीं आता इन सब चीज़ों को क्योंकि इसने पहले कभी ये खाया नहीं होता क्योंकि हमेशा उसकी बहन को खाना बना के देती थी तो इसको आ, ओ, कैन वगैरह ओपन करना सिखाता है खाना खिलाता है और बल्कि मतलब थोड़ा फन करने के लिए मैं इसको मिर्ची वाला आ, राइस जो राइस केक होता है वो खिला देता है उसको फिर मतलब ये खाना वाना खा के ना जाने लगते हैं तो इसको ना जो रीका होती है ना उसको एकदम से वो बात याद आती है कि जो पहली बार ना इसने युता को ही दिखा था डार्क फिल्म मास्टर का ड्रामा करते हुए पहली बार टोक्यो शिफ्ट हुई थी और तभी से इसके दिमाग में भी मतलब ये, ये चीज़ आई थी चुनिपियो वाली और फिर हम देखते हैं कि जो यूता है ना उसको फिर से मिकोटो की कॉल आई और वो बोलता है कि मैं ना श्यूरी के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर में आ गया खाऊ और मुझे क्या करना चाहिए क्या तुम्हें लगता है कि वो मुझे पसंद करती है इसलिए वो मेरे को अपने साथ लेके आई है तो वो बोलता है कि भाई मुझे कुछ नहीं पता है तुझे जो करना है कर ले तो फिर से उसको वही बात बोलता है कि तुझे भूल गया ना कॉलेज में सबसे पहले तैसे बात मैं नहीं करी थी तो वो बोलता था कि तू इस बात को कितनी बार बोलेगा और वो ना फोन काट देता है उस पर और फिर ये ना दोनों घर चले जाते हैं तो इसको अपने कपड़े देता है बोलता है कि तो इनको कपड़ों को पहनो और सो जाओ तो जब ये इसके क्लॉथ्स को पहनते हैं ना तो उनको स्मेल करने लगती है तो बोलते हैं रिका बोलती है कि यू तो इन कपड़ों में से ना तुम्हारी स्मेल आ रही है तो इसको ना थोड़ा सा अजीब लगता है उसको बोलता है कि लाइट मतलब लेटा के बेड पे और लाइट बंद कर देता है और बोलते हैं कि सो जाओ तो ये बोलने लग जाती है कि डार्क फ्लेम की जो पावर है ना वो रात को एक्टिवेट होती है तो दरवाजा बंद कर देता है कि चुप रहो अभी जैसे लेट नहीं जा रहा होता ना तो इसको आवाज आती है और ये देखता है अपने रूम में आता है टीवी वाले रूम में हम देखते हैं कि रीका ना टीवी देख रही होती है बैठ के सोई हुई नहीं होती तो इसको पकड़ता है टीवी वगैरह बंद करता है और इसको ना फिर से सुलाने के लिए ले जाता है अभी इसको जब ले जाने लगता है ना तो उसको ना हाथ पकड़ लेती है इसका और इसको ना मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि मतलब क्योंकि रीका को इसने कभी इस तरीके से नहीं देखा होता इसने से उसको ये देखा होता कि एक बच्ची की तरह हरकतें करती रहती है और जब इसका हाथ पकड़ लेते ना तो उसको अजीब सा लगता है और वो फाइनली अपने दिमाग में सोचता है कि चाहे कुछ भी हो ये बात क्योंकि मेकुतो ने भी बोला था कि भाई भले वो चुनिवियो वगैरह का कर ड्रामा करती रहती है तो है तो वो एक लड़की तो उसको लगता है कि इसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो क्या होने वाला है तो इसके हाथ पे ना एक ऐसे सर्कल बना देती है और बोलती है कि सर्कल से ना तुम्हारी प्रोटेक्शन होगी और तुम्हें मतलब जो ब्लैक पावर्स है ना तुम पर अटैक नहीं कर पाएंगे और ये फिर ये शांत हो जाता है बोलता है अब इसको लेटा के बेड पे कि चाहे कुछ भी हो जाए एक चुने भी हमेशा चुने रहता है भली वो लड़की हो पर उसके दिमाग में यही चीजें चलती रहेंगी और जब यह ना हम देखते हैं कि जो रिका होती है ना अपने रूम में लेटी हुई होती है पर उसको ना नींद नहीं आ रही होती और वो ना बस बार बार युता के बारे में सोचा जा रही होती है कि कैसे उसने खाना खिलाया उसको कैसे उसने उसको अपने क्लोथ पहनने के लिए और ये ना खड़ी उठती है और यूता के रूम में चली जाती है और यूता के बगल में बैठ जाती है और यूता सो रखा होता है और उसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है यूता और बस यहीं पे ना हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है तो गाइज़ ये थी एपिसोड एट की एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें और प्लीज़ गाइज पूरी पूरी वीडियो देखें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से बढ़ जाए वॉच टाइम ही नहीं बढ़ रहा है तो मैं अपना चैनल मोनेटाइज वगैरह कर सकूँ और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट और देखते रहेनिमिन इंडिया निंजा 2.0 को ऐसी और सम वीडियोज़ के लिए थैंक यू सो मच